लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम रोड शो किया। इसे लेकर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया। साथ ही राजेश्वर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सरोजिनी नगर के विशाल रोड शो में पधारने के लिए आत्मीय धन्यवाद। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सरोजिनी नगर की जनता का अपार समर्थन भावुक कर देने वाला है। आशीर्वाद रूपी शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि आभार। गौरतलब है कि रोड शो के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह जोश और जुनून ये जनता का हुजूम बता रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है। यह रोड शो शाम 5 बजे तैलीबाग स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर तैलीबाग में ही स्थित शनिदेव मंदिर पर खत्म हुआ। इससे पहले उन्नाव के पूर्वा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी राजेश्वर सिंह ने 2 ट्वीट किया। पहले ट्वीट में एक वीडियो को शेयर करते हुए राजेश्वर सिंह ने लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, कोटि कोटि जन हृदय के सम्राट, इस सहस्त्रवादी के कृंधार नरेंद्र मोदी के विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त कर अभिभूत हूँ। यह मेरे जीवन की अतुलनीय पूंजी है। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, आज परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में उन्नाव के पूर्वा में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। यह जनसैलाब है, राष्ट्र क्रांति की धारा है। यह उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की हुंकार है। आपको बता दें कि सरोजिनी नगर सीट पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे बीजेपी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह का मुकाबला सपा के अभिषेक मिश्रा से है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को ही जीत मिली थी।